वड़ा मेंदू वड़ा बनाने का, वो दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं खाने। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमन द फूडी यूट्यूब चैनल। और आज अमन द फूडी आ गया है आपको स्ट्रीट फूड दिखाने के लिए, मीरा रोड और दहीसर साइड का। अभी हम लोग हैं बहुत ही शानदार दुकान पे, जय महाकाल मसाले डोसा इडली साउथ इंडियन डिशेज। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आइए अंदर चलते हैं। ये हैं हमारे भैया। हेलो भैया, कैसे हैं? बढ़िया। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सनी। सनी जी, सनी जी कब से ये काम कर रहे हैं? एक दो साल से। कैसा रिस्पॉन्स है यहाँ के लोगों का? अच्छा है। तो अभी आप क्या बना रहे हैं, क्या तल रहे हैं? मेंदू वड़ा। मेंदू वड़ा, पहले ये बताइए इस बैटर में क्या क्या डाले हैं? इसमें मूंग की दाल है। मूंग की दाल है और थोड़ा सोडा है, थोड़ा नमक है। सोडा है, नमक है और थोड़ा मैदा है। थोड़ा मैदा है इसमें मिलाकर। अच्छा, डालते हैं। ये देखिए किस तरीके से डाला जा रहा है, डालते जाइए। देखिए किस तरीके से इनका स्पीड देखिए गाइस। ये देखिए बस। ये देखिए गजब का। तो सनी भाई के अंदर जो हुनर है ना वड़ा मेंदू वड़ा बनाने का, वो दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं खाने के लिए। और बहुत ही क्रिस्प और बहुत ही करारा बनाते हैं। मैं खुद इनका वड़ा खा के दीवाना हो चुका हूँ और बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। इस एरिया में अगर आपको सबसे कम प्राइस में और ऑथेंटिक और बढ़िया मेंदू वड़ा खाना है तो आपको सनी भाई के पास आना पड़ेगा और सनी भाई का मेंदू वड़ा बना हुआ खाना पड़ेगा। तो आइए आज हम लोग भी टेस्ट करेंगे। बन के निकलने दीजिए तो गर्मा गर्म हम लोग टेस्ट करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। ये देखिए गाइस किस तरीके से वड़ा को पलटा जा रहा है। और देखिए गाइस साइड में मेंदू वड़ा के बाद दाल वड़ा भी बन के रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देखिए और ये गर्मा गर्म निकल रहा है। यहाँ पे इडली भी आपको उपलब्ध है। जरा दो पीस इडली दिखाइए भाई। ये दिखाइए, बस दिखाइए इडली। ये देखिए आप इडली देख सकते हैं, बड़ा ही सॉफ्ट इडली है। आप देखिए बहुत ही सॉफ्ट इडली है, बहुत ही सॉफ्ट। आइए हम लोग मेंदू वड़ा को टेस्ट करेंगे तो और इसका जायका लेंगे। सो गाइस एक भैया आए हुए हैं जो इनके जय महाकाल मसाले डोसा के दुकान पर और 100 रुपए का मेंदू वड़ा पैक करा रहे हैं। तो इनसे पूछेंगे इनको टेस्ट कैसा लगता है, कैसा लगता है? रेगुलर लेके जाता हूँ इनके यहाँ से, टेस्ट एकदम कंप्लीट है इनका। हाँ हाँ, और एकदम गुड क्वालिटी रहती है जी। क्या नाम हुआ आपका? आस्तिक। आस्तिक भाई, तो आस्तिक भाई आपको यहाँ का सच में 100 रुपए का पैक करा रहे, तो कुछ ना कुछ खूबी जरूर नजर आया आपको। नहीं, एकदम स्टैंडर्ड क्वालिटी रहती है, ऐसा कोई भी होटल जैसा ही बनाते हैं भाई। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि ये देखने को खेला है लेकिन यहाँ पे जो क्वालिटी मिलेगा वो होटल का मिलेगा। तो आप अगर आए 100, 200, 500 का पैक करा सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा लोगों को खिलाना है तो यहाँ से बेशक आप मेंदू वड़ा पैक करा सकते हैं, इडली दाल वड़ा भी पैक करा सकते हैं, बट मेंदू वड़ा का जो टेस्ट है ना भाई वो कहीं नहीं मिलेगा, वैसा कहीं नहीं मिलेगा। और सनी भाई अपने बनाते हैं ना, जिनका हाथ में जलवा है। सो गाइस अब वड़ा निकलने वाला है, एकदम करारे लाल हो चुका है। देखिए गाइस, ये देखिए, ये देखिए गाइस निकल के अपने जगह पे जाने वाला है। गाइस बहुत गर्मी है यहाँ पे। और सनी भाई के साथ एक और भाई काम कर रहे हैं। भाई क्या नाम है? अमित। अमित भाई, अमित भाई दो वड़ा और दीजिए इधर भाई। और लगातार देखिए डाले जा रहे हैं, इनका ये प्रोसेस रुकता नहीं है। डाले जाते हैं मेंदू वड़ा इनका रुकता नहीं है भाई। एक बार टाइम बता दो सनी भाई, कितने बजे तक? सुबह 8 बजे से 10 बजे तक। एक बार एड्रेस बता दो अपना। मेरा यहाँ पे का फिंगर पड़ा है। नहीं नहीं, यहाँ दुकान कहाँ पे लगाते हो? ठाकुर मॉल दहीसर चेकनाका। तो ठाकुर मॉल दहीसर चेकनाका और ये MICL के बगल में है। तो मैं आज यहाँ इधर आया था कुछ काम से और यहाँ पे ज़बरदस्त मेंदू वड़ा खाने को मिला, मज़ा आ गया गाइस। आप लोग देख सकते हैं कस्टमर है किस तरीके से भीड़ है यहाँ पर, आप लोग देखिए सारे कस्टमर एकदम उतावले हो रखे हैं मांगने के लिए। आइए कुछ कस्टमर से और बात करेंगे। भाई कैसा लगता है यहाँ का मेंदू वड़ा, कैसा लगता है? अच्छा लगता है। चलिए गाइस, तो मेरा भी ये प्लेट आ गया है गाइस, आप लोग देख सकते हैं।
देखिए गाइस, आइए इसका जायका लिया जाए और आपको इसका टेस्ट बताते हैं।